आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। घरेलू और विदेशी बाजारों में इस साल कॉटन की कीमतों में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। घरेलू बाजार की बात करें तो कॉटन इस साल के हाई 50,330 रुपए प्रति गार्ड से करीब 16-17% कमजोर होकर लगभग 42,000 रुपए प्रति गार्ड पर आ गया है। हालांकि बीते कुछ दिनों से इसमें रिकवरी है। एक्सपर्ट का मानना है कि कॉटन को लेकर अभी ट्रेंड मिले जुले नजर आ रहे हैं। ग्लोबल मंदी के डर, ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट, चीन में कोरोना वायरस के चलते डिमांड में कमजोर और डॉलर में मजबूती के चलते कॉटन की कीमतों में गिरावट आई है। वहीं दूसरी ओर इस साल अब तक बुआई का एरिया उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है जितना अनुमान था। वहीं रुपए में गिरावट के चलते इंपोर्ट भी कम हुआ है। फिलहाल शॉर्ट टर्म में कॉटन 38,000 रुपए से 45,000 रुपए की रेंज में रह सकता है। जानकारों का मानना है कि कॉटन को लेकर फिलहाल ट्रेंड मिक्स्ड नजर आ रहे हैं। वहीं अच्छी खासी गिरावट के बाद कॉटन में पिछले 2-3 दिनों से रिकवरी आई है। उनका कहना है पिछले दिनों कॉटन के ऊंचे भाव को देखते हुए इस सीजन में बंपर बुआई का अनुमान था, लेकिन अब तक के आंकड़ों में बुआई का एरिया पिछले साल की तुलना में 3-4% ही बढ़ा है। सरकार ने कीमतों को नीचे लाने के लिए ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर दिया, लेकिन रुपए में बढ़ी गिरावट के चलते इंपोर्ट भी बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहा है। ये कॉटन की कीमतों को सपोर्ट देने वाले फैक्टर हैं। दूसरी ओर दुनिया में मंदी की आशंका के चलते डिमांड में कमजोरी नजर आ रही है। चीन में कोविड-19 के मामले बढ़ने से डिमांड गिरा है। चीन दुनिया में कॉटन का सबसे बड़ा इंपोर्टर है और ग्लोबल इंपोर्ट में चीन की 21% हिस्सेदारी है। डॉलर इंडेक्स में लगातार मजबूती आ रही है। पैदावार पिछले साल से ज्यादा रहने का अनुमान है। ये सारे फैक्टर्स कॉटन की कीमतों पर दबाव बढ़ाने वाले हैं। जानकारों का कहना है कि शॉर्ट टर्म की बात करें तो कॉटन का भाव 38,000 रुपए से 35,000 रुपए की रेंज में रह सकता है। इसमें बहुत ज्यादा गिरावट की आशंका कम ही है। इस साल अब तक कॉटन 24% और बीते एक साल की बात करें तो ये बता दें 65% से ज्यादा मजबूत हुआ है। बीते 3 साल में कॉटन का भाव करीब 2 गुना हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।